बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन के तहत प्रसार सामान ज्ञान प्रतियोगिता 28 फरवरी को भारतीय लाडली सेवा शक्ति समिति के तत्वाधान में अंतर्गत दिन रविवार प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक माँ गौरी इंटर कॉलेज ग्राम बिलहना फिरोजाबाद में संपन्न होगी। क्योंकि आज ये प्रेस वार्ता भारतीय लाडली सेवा शक्ति समिति जो एक एनजीओ के रूप में बहुत पुराने समय से काम कर रही है, इसके तत्वावधान में बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत नारी शक्ति जागरण के तहत ये हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है और ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 28 फरवरी को इसकी परीक्षा होने जा रही है। ये स्कूल है गांव बिलहने के पास में माँ गौरी इंटर कॉलेज उसके परिसर में 400-500 बच्चियों द्वारा और ये बेटियां जो है कक्षा 8 से लेकर 10 तक की छात्राएं होंगी जो इस परीक्षा में भाग ले रही हैं और सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बेटी को एक ट्रॉफी और साइकिल न्यू साइकिल भेंट की जाएगी और ये जो पुरस्कार वितरण समारोह 7 मार्च को किया जाएगा जिसमें प्रथम पुरस्कार साइकिल द्वितीय पुरस्कार के रूप में 4 चेयर और 1 टेबल का पुरस्कार है, तृतीय पुरस्कार के रूप में 1 टेबल फैन है और चतुर्थ पुरस्कार के रूप में स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे और सभी जो है मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा जागरण किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक बेटियां देहात क्षेत्र की रहेंगी, देहात क्षेत्र में शिक्षा और जागरूकता की बहुत कमी है, इसलिए जो है ये कार्यक्रम हमने रखा है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये सूचना देना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बेटियों को जागरूक कराया जाए और इस समिति की जो सचिव है मुन्नी देवी जी वो आपके सामने बाइट दे रही हैं अपनी। आयोजन के संदर्भ दिया गया भारतीय लाडली सेवा शक्ति समिति के माध्यम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बेटियों को आगे बढ़ाने निरंतर प्रयास किया जाएगा। समिति बेटियों को आगे चलकर शिक्षा व सुरक्षा पर भी कार्य करेगी। समिति के माध्यम से होने वाली प्रतियोगिता में लगभग 400 छात्राएं भाग लेंगी। समिति के माध्यम से होने वाली प्रतियोगिता में लगभग 400 बेटियां भाग लेंगी छात्राएं, जिससे सभी को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। समिति आगे चलकर छात्राओं के परिजनों के माध्यम से सामूहिक विवाह द्वारा निःशुल्क विवाह का प्रस्ताव भी भेजेगी और प्रतियोगिता माँ गौरी इंटर कॉलेज में 28 तारीख को की जाएगी। भारतीय लाडली सेवा शक्ति समिति के माध्यम से इस प्रेस वार्ता में हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं समाज के साथ कि समाज में जो बेटियां पिछड़ रही हैं उनके लिए यह समिति प्रतियोगिता के माध्यम से उनके विकास एवं डेवलपमेंट की बात रखने की आगे बात करती रहेगी और जो समाज देहात क्षेत्र की लड़कियां पिछड़ रही हैं उनको आगे लाने का यह समिति वर्तमान में कार्य कर रही है इसी तरीके से करती रहेगी। क्या पुरस्कार है बच्चियों के लिए जो प्रतियोगिता हो रही है उसका आयोजन 7 मार्च को किया जाएगा, उसका रिजल्ट की घोषणा की जाएगी 7 मार्च को। उस 7 मार्च को मुख्य अतिथि द्वारा फर्स्ट प्राइज बच्ची को एक साइकिल दी जाएगी, सेकंड प्राइज जो आएगा सेकंड विजेता उसको कुर्सी टेबल का सेट दिया जाएगा, थर्ड प्राइज वाले को और टेबल फैन दिया जाएगा, बाकी जितने भी सभी छात्राएं हैं उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। उस सम्मान के साथ उन्हें आगे बढ़ने के डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षा के लिए उनके मार्शल आर्ट की तैयारी भी समिति द्वारा आगे दी जाएगी। जो आवेदन प्रक्रिया रखी गई है वो निःशुल्क है या चार्ज वाला है? प्रक्रिया रखी गई पूर्णतः निःशुल्क है, उसमें कोई भी आवेदन का फॉर्म नहीं है, केवल आधार कार्ड और मार्कशीट के माध्यम से प्रतियोगिता कराई जा रही है।